ग्रामर और ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी स्कूल टीचर्स नंबर्स हमारे काटा करती थी और अभी भी काटती होंगी अपने स्टूडेंट्स के लेकिन ग्रामर सिर्फ इसलिए नहीं होती कि एक खाम की चीज़ है जो आपको याद करनी है और उसमें आप मार्क्स लूज़ कर रहे हैं और उसके बाद उसका कोई यूज़ या मसरफ नहीं है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन यू राइटिंग उसका हो सकता है एकदम से मशरफ हमें नज़रना है या समझना है लेकिन ये कि उससे आप अपनी बात पहुँचा भी सकते हैं अपने ऑडियंस तक और उसके अलावा उसको किस फीलिंग के साथ और किस टोन के साथ करें तो वो ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के थ्रू वो चेंज और वेरी हो सकता है देखते हैं ये कैसे हो सकता है ये एक मिसाल है हमारे पास इसमें चार अलहदा अलहदा जुमले हैं फुल स्टॉप्स के साथ उनको अलग अलग किया हुआ है और उसमें कुछ इन्फॉमेसन दी हुई है टीचर्स डिवेल्प लेसन प्लान टीचर्स प्लान एक्टिविटीज़ फॉर क्लास चिल्ड्रेन बेनिफिट फ्रॉम गुड टीचर्स चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम गुड टीचर्स इसमें एक चार अलग अलग इंफॉर्मेशन के पीसेस दिए हुए हैं और अगर इसको हम डिफरेंट तरह से इसको स्ट्रक्चर करें तो लेट्स सी हाउ दैट साउंड्स डिफरेंटली टीचर्स डिवेल्प लेसन प्लान एंड एक्टिविटीज फॉर क्लास चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम सच गुड टीचर्स एंड लर्न मोर फ्रॉम देम उसमें मीज रब्त है सारी चीज़ों का रब्त हो गया इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं टीचर्स डिवेल्प लेसन प्लान एंड एक्टिविटीज फॉर क्लास वन टीचर्स डू दिस वेल चिल्ड्रन बेनिफिट इन मैनी वेज वन ऑफ दिस वेज इज़ दैट दे लर्न मोर यानी उसमें अब उसको रफ्त बना के और एक चीज़ जो है वो कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है ऐसे करके उसको दिखाया गया तो सेंटेंसेस करेक्ट लिखना हमेशा इनफ नहीं होता बल्कि उसको कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं कौन सा वाला करेक्ट स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं दैट चेंजेस द टोन एंड द वॉइस ऑल्सो तो और इसकी कुछ मिसालें देखते हैं एक ही जुमला आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड फुल स्टॉप है और फिर आई हैवन बिन ऑन अ वेकेशन इन फाइव ईयर्स इसमें अगर फुल स्टॉप की जगह हम कोई और पंक्चुएशन डालें आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड फिर उन्होंने सेमी कॉलन दिया और फिर उसके बाद का है आई हैवन बिन ऑन अ वेकेशन इन फाइव ईयर्स इसमें दोनों बातों का थोड़ा सा कनेक्शन बन गया है कि मैं इतना बिजी हूँ कि मैं वेकेशन तक पे भी नहीं गया उसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन है उसमें और उसको क्लियर कर दिया है आई हैवन बिन ऑन अ वेकेशन इन फाइव ईयर्स बिकॉज आई एम ऑफन वेरी बिजी एंड टायर्ड तो ये कंजंक्शनस होते हैं जो बिकॉज और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इससे भी आप अपना मतलब डिफरेंट तरह से बयान कर सकते हैं और उसमें स्ट्रक्चर uh, को डिफरेंट uh, जुमलों को इकट्ठा कर सकते हैं इसके थ्रू और कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप ऑब्वियस कर सकते हैं एक और भी इसमें फोकस शिफ्ट हो सकता है आई एम सो बिजी एंड टायर्ड दैट आई हैवन बिन ऑन अ वेकेशन इन फाइव ईयर्स इसमें जो है फोकस अपने बिजी और टायर्ड होने के ऊपर हो गया है और वेकेशन uh, पर जाने की बजाय तो इसमें सीक्वेंस चेंज करके भी उसका उन्होंने uh, इम्पैक्ट चेंज किया है सो दीज आर सम वेज दैट यू कैन डू दिस तो ये तो सीक्वेंसिंग की बात थी और कुछ थोड़ा सा पंक्शन पंक्शन की हम आगे भी बात करेंगे उसके अलावा सेंटेंसेस की लेंथ लंबे सेंटेंसेस का इफेक्ट और होता है छोटों का और होता है और उनको अगर यूजुअली राइटर्स जो लिखते हैं तो उसको वेरिएशन में लेके चलते हैं सारे लंबे सेंटेंसेस या सारे के सारे छोटे सेंटेंसेस नहीं होते आप यहाँ पे देख सकते हैं द वर ड्रॉन द स्काई वॉज ओवर कास्ट टू टीम्स टू आर्मीज तो इसका एक बड़ा एब्रप्ट सा इफेक्ट है इसमें एक अर्जेंसी सी कन्वे हो रही है क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं उसके अलावा इसका एक और ऑप्शन ये हो सकती है द लाइन्स वर क्लियरली ड्रॉन बिटवीन द टू टीम्स हु वर नाउ लाइक टू आर मीज इसमें सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में है तो ये एक नेरेटिव या स्टोरी की तरह है द स्काई वॉज डल एंड ओवरकास्ट दैट डे तो इसमें अलग से एक स्काई का डल होना और ओवरकास्ट होना एक अलग से डिटेल है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं लग रहा और जो पहला वाला है उसमें ये लग रहा है कि पूरा एक माहौल है आ, उदासी और डिप्रेशन का जिसमें कि लोग लड़ने को या किसी कोई चीज़ में मुकाबला करने को तैयार हैं तो ये दैट्स हाउ इट चेंजेस द टोन ऑफ द टेक्स्ट उसके अलावा एक और वेरिएशन उसकी है द लाइंस वर क्लियरली ड्रॉन बिटवीन द टू टीम्स ऑन दिस ओवरकास्ट एंड डल डे द टू आर्मीज इसमें टीम्स का लफ्स जो फ्रेज है वो शुरू में आया और आर्मीज़ का अलहदा अगले सेंटेंस में इन दोनों को पास पोजिशन किया है लेट सी हाउ दैट चेंजेज इट On this dull and overcast day, the lines were clearly drawn between the two teams, the two armies. यानी के जो दो teams थी वो दो armies थी। ये actually जो the two armies ये clause है ये पूरा sentence नहीं है, लेकिन इसको अगर as a sentence लिखे तो इसमें थोड़ा सा punch add हो जाता है और थोड़ी सी इसका impact stronger होता है, dramatic होता है थोड़ा सा। Opening words, sentences को आप ये तो sentences के अंदर clauses की sequences थी। और सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उसकी सीक्वेंसिंग आप कैसे करेंगे उससे भी आ, जो पर्सनल स्टाइल है आपका वो इफेक्ट होगा ये दो पैराग्राफ्स हैं इनको देखते हैं कि इसमें एक में आई आई से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे में किसी डिफरेंट तरह हो रहा है आई हैव टू स्पेंड अ डे माई माई सेल्फ आई विल गो फॉर अ लॉन्ग वॉक अराउंड द पार्क आई मस्ट रिमेंबर टू लीव माई सेल्फ फोन एट होम सो नो वन कैन इंक्लूड ऑन माई सॉलीट्यूड आई वॉन्ट माई सिक्लूजन टू बी कम्प्लीट एंड एबसोलूट एटलीस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स ये इसमें हर जुमले का पहला सेंटेंस एक ही है दैट्स यूजुअली पहला वर्ड एक ही है दैट्स यूजुअली नॉट अ गुड प्रैक्टिस ये चेंज करके होने चाहिए अनलेस आप ये कुछ आ, शो करना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर जो है थोड़ी सी आ, वो एजिटेटेड है या अपसेट है और उसको सिर्फ इस वक्त उसको सिर्फ अपने लिए टाइम चाहिए तो अगर आप एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर राइटिंग कि हर सेंटेंस एक ही लफ्ज से स्टार्ट हो रहा है चाहे वो आई हो या कोई और वर्ड हो और ऑल्सो इन ई अगर आप ई लिख रहे हैं और आए आय करके लिख रहे हैं तो सामने वाले को इंप्रेशन मिलेगा कि आप सिर्फ अपने आप की बात कर रहे हैं सो दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट इज नॉट वेरी रिकमेंडेड अनलेस द कैरेक्टर रिक्वायर्स इट इसको लिखने का एक और बेहतर तरीका ये हो सकता है आई हैव टू स्पेंड अ डे बाय माई सेल्फ अ लॉन्ग वॉक अराउंड द पार्क वुड बी नाइस जस्ट सो दैट नो वन कैन इंट्रूड ऑन माई सॉलीट्यूड आई मस्ट रिमेंबर टू लीव माई सेल्फ ओन एट होम एटलीस्ट फॉर दोज फ्यू आवर्स आई वॉन्ट माई सक्लूजन टू बी कम्प्लीट एंड एबसोलूट इसमें आप देखें कि जो बोलने वाला है उसकी थोड़ी सी लाइकेबल सा वो इंसान लग रहा है सिर्फ आपने उसके सीक्वेंस लफ्जों का थोड़ा सा चेंज किया है और पहले वाले में थोड़ा सा क्रेज सा और थोड़ा सेल्फ अपसेस्ड सा इंसान लग रहा तो है तो ये दीज आर डिफरेंट वॉइस दैट एज राइटर्स यू कैन यूज पंक्चुएशन से भी सारा कुछ चेंज होता है जब बोलते हुए हम आवाज़ के उतार चढ़ाव से इफ़ेक्ट लेते हैं लिखने में पंक्चुएशन का वो काम होता है ये देखिए इसमें दोनों चीज़ें पंक्चुएशन और सीक्वेंस दोनों चेंज किए मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन मस्ट टेल इम्प्लॉज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ दूसरा ऑप्शन इसका ये है कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजर्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज नीड्स टू हैव टू क्वालिटीज एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस इसमें एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस को जब अलग से लिखा है बाद में तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है और पहले वाले सेंटेंस में वो उसके आगे और पीछे कॉमर्स लगा के लिखा था जैसे कि वो एक साइड पे अलग इन्फॉमेसन है कोई की इन्फॉर्मेशन नहीं है और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें वो एक्यूरेसी और इफ़ेक्टिवनेस उसकी एक सेंट्रल पीस या सबसे की इन्फॉर्मेशन बन गई है सो दैट्स हाउ पंक्चुएशन कैन चेंज योर मीनिंग एंड एंड द इम्पैक्ट दैट यू वॉन्ट टू हैव और इसके अलावा एलिप्स यानी तीन डॉट्स आप ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए या ये सोच शो करने के लिए कि कोई सोच रहा है कैरेक्टर कुछ वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो uh, इसके देखते ही कुछ डिफरेंट तरीके पढ़ने के कैसे हो सकते हैं ही हैड लिव्ड अ गुड लाइफ मोस्टली मोस्टली ही हैड लिव्ड अ गुड लाइफ ही हैड लिव्ड अ गुड लाइफ मोस्टली जो डॉट्स एंड पे लगाते हैं या शुरू में जो लिप्स लगा रहे हैं उससे ज़रा सा उसमें एक सैड सैलिमिट आ रहा है और अगर जो पढ़ रहा होगा वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि शायद कोई अब उसकी ज़िंदगी में जो कोई गलत बात या ट्रेजिडी कोई हुई थी उसका जिक्र आगे आने वाला है So, uh, these are some things about how the sentence structure can change the uh, voice, the tone, and the personal style of what you are trying to say.